आदमी का इनकम नहीं बढ़ रहा है जी, चार्जेस बढ़ रहा है बिल्कुल, टैक्सेस बढ़ रहा है बिल्कुल, प्रदूषण का बात जो है वो हम लोगों के ऊपर नहीं है क्योंकि हम लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, चाहे GST हो चाहे कोई भी टैक्स हो, आप बोल रहे हैं सिंगल विंडो टैक्सेस, टैक्स सिस्टम कहाँ पे सिंगल विंडो है। नमस्कार सलाम, मैं आकिब रजा न्यूज़ प्लस से। आपको बता दें कि KMC यानी कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पार्किंग शुल्क में यानी पार्किंग चार्ज में 2 से 10 गुना की बढ़ोतरी की है। अब इससे बहुत सारे फ़ायदे भी KMC ने गिनाए हैं। फ़ायदे में ये कहा कि जो पब्लिक यहाँ की है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस्तेमाल नहीं करती उस पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जिससे सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की मांगें बढ़ेगी। पर्सनल कारों की जो है खरीद फरोख्त की, उसकी जो है मामले कम हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कहे जा रहे हैं कि कोलकाता सिटी जो है अभी दिल्ली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर में घोषित किया गया था। उसको मद्देनज़र रखते हुए भी KMC ने ये कदम उठाया है कि कोलकाता में पोल्यूशन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे गाड़ियों का एक सबसे बड़ा इसमें योगदान माना जाता है। गाड़ियों की आवाजाही से जो प्रदूषण निकलता है उससे कोलकाता शहर प्रदूषित हो रहा है, जिसके द्वारा ये कदम उठाया गया है। हम आपको अब बता दें कि कितनी रेट और कितनी बढ़ोतरी की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 से 10 गुना की बढ़ोतरी की गई है। तो पहले पार्किंग दो पहिए वाहन के लिए पहले पार्किंग शुल्क 5 रुपये देने होते थे, तो वही 1 घंटे की पार्किंग शुल्क 10 रुपये कर दी गई है। वहीं 5 घंटे की बात करें तो अब 25 रुपये पहले थी और अब इसे बढ़ाकर 150 रुपये तक कर दी गई है। वहीं 5 घंटे की बात करें तो प्रति घंटे की तरफ से 50 रुपये प्रति घंटा आपको देना होगा। अगर 5 घंटों से ज़्यादा आप पार्किंग में अपनी गाड़ियां 2 व्हीलर खड़ी करते हैं, वहीं 4 व्हीलर की बात करें तो पहले 10 रुपये देने होते थे 1 घंटे के, अब आपको 20 रुपये देने पड़ सकते हैं। वहीं पहले 5 घंटे की आपको बात करें तो पहले इसे 40 रुपये देने होते थे, अब इसे बढ़ाकर 160 रुपये कर दी गई है। वहीं आपको 5 घंटे से ज़्यादा अगर आप पार्किंग में अपनी 4 व्हीलर को रखते हैं तो प्रति घंटे आपको 100 रुपये तक चुकाना पड़ सकता है। इसी के सिलसिले में यहाँ पे लोगों से उनकी राय जानेंगे कि क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है इसको लेकर, उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे। रोहित सिंह, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि अभी KMC कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2 से 10 गुना गाड़ियों पर चार्जेस बढ़ा दिए, इस पर आपकी राय? आप खुद अभी पार्किंग में खड़े हुए हैं और आपने बताया कि कितने आपको पे करने पड़े, पहले कितने पे करने पड़ते थे आपको? पहले पाँच रुपये और अभी कितने? 20 रुपये। मतलब 5 से सीधा 20 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, मतलब डायरेक्टली देखा जाए कितना फ़र्क है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फ़र्क तो पड़ता नहीं, उस हिसाब से आदमी का कमाई भी बढ़ गया। 20 रुपये देने में अखर नहीं मारता। अच्छा। पहले 5 रुपये देने में अखर मारता था, अभी 20 रुपये देने में अखर नहीं मारता। जगह ही नहीं है, जगह कभी तो देख लीजिए, 20 रुपये लेके भी आदमी सेटिस्फाइड है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले 5 रुपये 2 व्हीलर के लिए पे करते थे, अभी 20 रुपये करने पड़ रहे, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट फुल तरीके से, पूरे तरह। अद्विजा चक्रवर्ती आपसे जानना चाहेंगे कि अभी KMC ने 2 से 10 गुना पार्किंग शुल्क पे जो पार्किंग शुल्क बढ़ाया, इस पर आपकी राय? आप खुद अभी देख रहे हैं कि 2 व्हीलर का आपने पार्किंग किया है, कितना देना पड़ता है, कितना बदलाव आया है? देखिए, बदलाव तो ज़्यादा कुछ नहीं आया, बिकॉज स्पेस तो एक ही है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और स्पेस घटते जा रहे हैं। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो पार्किंग क्या पार्किंग होगी? ठीक है। और प्राइस के बारे में मैं उतना कुछ नहीं जानती, बिकॉज आई हैव अ 4 व्हीलर। और 2 व्हीलर्स के पार्किंग में मैं उतना कुछ नहीं जानती, पर अगर सब गवर्नमेंट डिसीजन लेंगे तो पीपल क्या करेंगे? पीपल को भी, लोगों को भी तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। और बिल्कुल, तो KMC ने ये रीज़न दिया जैसा आपने बताया, बट अभी 2 व्हीलर की अगर हम बात करें तो पहले प्रति घंटा 5 रुपये देने होते थे, अभी 10 रुपये देने होते हैं। 5 घंटे तक रखिएगा तो पहले आपको 25 रुपये देने होते थे, अभी आपको सीधा 80 रुपये पे करने होते हैं। और 5 घंटे से ज़्यादा रखने पे प्रति घंटा आपको 50 रुपये काटे जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट KMC ने ये लागू किया है। अब उनका कहना है कि ये जिस तरीके से आपने बताया कि वायु प्रदूषण हो रहा है उसका हवाला दिया है, तो कितना सही कितना गलत है? अब सही गलत तो
पॉपुलेशन इंक्रीज पर भी होगा ना, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मुझे लगता है उन्होंने ठीक ही किया होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर इतना भीड़ हो जाता है, अभी तो दिवाली का मौसम है और पूजा भी, दुर्गा पूजा भी एंड हुई है अभी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, भीड़ भी बहुत होती है, कोविड ख़त्म हुए हैं, तो मुझे लगता है इट्स फाइन एक्चुअली। कुछ लोगों के सर्वे में ये पाया गया कि वेंडर्स से भी नाखुश है, मतलब अभी ये तो आप आ गई, वेंडर से भी सवाल उठाते कि ज़्यादा शुल्क यानी ज़्यादा चार्जेस ली जाती है, ऐसा आपने कभी फेस किया है कि ज़्यादा चार्जेस देने पड़े टू व्हीलर के लिए? हाँ जी, वो तो देने पड़ते हैं, वो तो एक प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल अगर जनरल मिडिल क्लास पीपल को इतना अगर देना पड़े सिर्फ पार्किंग के लिए, हम यहाँ पे पार्क करें अगर पास वाले दुकान में जाए, तब इतने कम टाइम के लिए इतना ज़्यादा थोड़ी देंगे हम। अच्छा, मतलब आप अगर बता दें कि कितने देने पड़ते, क्योंकि मैं आप वो श्योर नहीं हूँ अभी, श्योर नहीं है जी। मगर फिर भी मान लीजिए घंटे के लिए केएमसी ने 5 रुपये रखे हैं, मगर 5 रुपये तो नहीं देने पड़ते होंगे, बिल्कुल ज़्यादा देना पड़ता होगा। ज़्यादा तो देना ही पड़ता है, और इलीगल पार्किंग्स भी तो होते हैं जी, तो लोग तो वहाँ पे खड़े होते ही है ऑलरेडी कि भाई इतना दे दो उतना दे दो, तो ऐसा तो होता ही है। मेरा नाम संजीव चक्रवर्ती है, मैं इनका पापा हूँ जी जी, ठीक है। हाँ। बात ये है, आदमी का इनकम नहीं बढ़ रहा है जी, चार्जेस बढ़ रहा है बिल्कुल, टैक्सेस बढ़ रहा है बिल्कुल, साथ साथ आदमी का इनकम बढ़ना चाहिए, चाहे फोर व्हीलर चाहे टू व्हीलर चाहे कोई भी हो। तो प्रदूषण का बात जो है वो हम लोगों के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कार अगर कंपनी से निकलेगा, हम मेरे को अगर खरीदने का हिम्मत है, हैसियत है, तो मैं खरीदूंगा। पॉल्यूशन चेक है भी तो होते हैं ना गाड़ी के। अगर मेरे को खरीदने का या परचेस करने का हैसियत है, हिम्मत है, तो मैं खरीदूंगा बिल्कुल। तो पॉल्यूशन जो है ये कंट्रोल करने का बात जो है गवर्नमेंट का है, वो मेरे ऊपर जाता नहीं है। आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, चाहे GST हो चाहे कोई भी टैक्स हो, आप बोल रहे हैं सिंगल विंडो टैक्सेस, टैक्स सिस्टम कहाँ पे सिंगल विंडो है, हर एक चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं। सुबह से सुबह ये मतलब जब आप आँख खुलते हैं तब से आप ब्रश जो यूज़ करते हैं तब से आपको टैक्स लगता है। KMC ने बोला कि शॉपिंग मॉल के बाहर लोग बहुत देर तक खड़े कर देते हैं गाड़ियाँ, उससे भी बचने के लिए आदमी क्या करेगा। देखिए एक काम, एक चीज़ सोचिए, कलकत्ता में घूमने का जगह कहाँ है, शॉपिंग मॉल पार्क्स आप कहाँ रखे हैं, शॉपिंग मॉल छोड़ के आप ले लीजिए पार्क्स कहाँ पे रखे हैं आप, सब जगह पे तो आप बिल्डिंग बना दिए है कि नहीं, तो बिल्डिंग बनाया तो आदमी को घूमने का जगह तो चाहिए, कहाँ घूमेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज देयर, जो ऊपर का जो गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल्स है, उन लोगों के साथ आम आदमी का कोई रिलेशन नहीं है, ये जो गैप है ये मेन चीज़ है। आम आदमी का जो ये स्थिति है उसके साथ गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स है उन लोगों का जो स्थिति है बहुत डिफरेंस है। शेख आजाद बोल रहे, मैं 10 रुपये घंटे काटता हूँ। अच्छा, देखिए सब लिखा हुआ बोर्ड है। अच्छा ठीक है, मतलब ये बोर्ड आपने एक बार उधर दिखा देना आप, कि ये KMC की तरफ से जो स्केड्यूल है वहाँ पे अभी जो जिस तरीके से अभी दिखा रही है, मगर अभी आपको शायद आइडिया नहीं कि अभी जो जिस तरीके से KMC के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी लागू किया गया कि प्रति घंटा, पहले जो अभी 5 रुपया का बोर्ड आप दिखा रहे हैं अभी उसको 10 रुपया कर दिया गया है, फोर व्हीलर जो 10 रुपया है उसको 20 रुपया कर दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी तो आप इसी कर से वसूल कर रहे हैं, वही कर से, कभी झड़प हुई है यात्रियों के बीच आपकी, कभी कोई अनबन नहीं आजाद के सामने, कुछ होता नहीं है, मेरे बात ही करते नहीं, हम खुद से ले लेते 10 रुपये, कभी अनबन नहीं, कभी नहीं होता मेरा पास। अच्छा, और कोई मतलब कोई परेशानी की, मान लीजिए अभी तो बढ़ने वाली है, चार्जेस बढ़ जाएगी, मेरी चार्जेस बढ़ गया क्या करेंगे, मैं तो वही लूँगा, मैं 10-20 जो देगा वही लेता हूँ, मैं आप बेसी लेते हैं। चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे क्योंकि KMC की तरफ से ये बढ़ाया जाएगा प्रति घंटा, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 5 रुपये बोर्ड आपने लगा रखा है, नहीं फोर व्हीलर के लिए 10 रुपया, टू व्हीलर के लिए 5 रुपया, मगर अभी जैसे KMC अभी बढ़ाई है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ये आप लोग वेंडर हैं, आप लोग यहाँ पे संभाल रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम फापी है, हम नया चेन्नई हो, ठीक है, हाँ अभी पहले 10 रुपये था, अभी 20 रुपये कर दिए, हम लोग 20 रुपये नहीं, हम लोग नया नहीं है,
ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे लेने की बात नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि वेंडर है जैसे आप लोग हैं तो ज़्यादा कर वसूलते हैं, ऐसा तो फिलहाल नहीं मिला है सुनने को, बट ऐसा पब्लिक बहुत सारे पब्लिक बोलते हैं, मगर आप लोग के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है? हम लोग ऐसे करते ही होता ही नहीं। हम लोग 25 साल से हम लोग यहाँ पार्किंग है, ठीक है, हम लोग नहीं है, हम लोग मतलब पब्लिक से कभी कोई झड़प नहीं हुई, कोई झगड़े नहीं हुए, खुशी से जो है दे दिया, खुशी से दे देता ठीक। कभी झगड़ा हम लोग नहीं करते। और केएमसी, और केएमसी का भी जो चार्जेस पड़ा है उस पर मतलब चैलेंजेस अभी जैसे केएमसी चैलेंजेस तो कोई नहीं आएंगे ना, परेशानी तो नहीं आएगी, तैयार रहेंगे कि मतलब सही से होगा लोग? हाँ हाँ, जो होगा वही होगा, जो 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 केएमसी करेगा हम लोग उसी में। नॉर्मल न्यूज़ चैनल में आज सुबह मॉर्निंग में देख रहे थे। मैंने ही बोला होगा शायद, न्यूज़ प्लस इंडिया। हाँ, न्यूज़ प्लस इंडिया में मैंने ही बोला। आपने बोला था शायद उसी में देख रहा था, बोल के चार्जेस मेरे को थोड़ा बहुत याद भी ध्यान में। अच्छा, सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सम्राट है। अच्छा, जिस तरीके से आपने न्यूज़ प्लस इंडिया का ये न्यूज़ देखा, जिस तरीके से चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, क्या इस पर राय है आपकी कि कितना सही होगा आम लोगों के लिए, कितना प्रॉब्लम होंगे? एक कॉरपोरेशन कुछ सोच समझ के किया होगा तो उसका डिसीजन देखना पड़ेगा, तो ये तो इनिशियल रिजल्ट आने वाला है नहीं। बिल्कुल, उन लोग डिसीजन लिया रस्ट कम करने के लिए, अगर रस्ट कम हो तो होता है तो अच्छा है, ये तो आम आदमी के ऊपर देखिए जो नॉर्मली इफेक्ट तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही, पार्किंग चार्जेस डबल हो रहा है उसका तो इफेक्ट थोड़ा बहुत तो आएगा ही, वो तो आम इंसान को थोड़ा भी वो तकलीफ आएगा, इनिशियल लेवल में आएगा। अगर इसका रिजल्ट अगर निकलता है बेहतर तो कॉर्पोरेशन ने डिसीजन ठीक लिया, खराब नहीं लिया। मेरा नाम बी मंडल। कि आप यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी गाड़ी लगी हुई है, फोर व्हीलर है, जिसकी प्रति घंटा जो चार्जेस है अभी केएमसी की तरफ से 20 रुपया लगाया गया, कितना आपने पे किया अभी खड़ा करने? लेकिन ये केएमसी वाला वो तो खुद नहीं लेता है, इसका जो एजेंसी दिया है वो लोग खुद लेता है, और यहाँ देखिए कोई मैंने चांस मिलने का ये भी एक ये है, इसीलिए हम लोग को देना पड़ता है जे हाँ ठीक है रख दे, ठीक से सेफ्टी से रख देगा। तो कितना पे किया आपने, कितने घंटे से आप खड़े हैं और कितना पे किया आपने ये बताइए? 10:30 बजे से। 10:30 बजे तो तकरीबन 3-4 घंटे हो गए है ना, 3-4 घंटे में कितना पे किया? वो तो आता नहीं, हम वो खुशी से कुछ दे देता है, एक होता है उसमें उसका कोई तो स्लिप नहीं देता है। हाँ, ऐसे मतलब कोई स्लिप नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पर आते हैं यात्री जो चालक हैं वो अपने खुशी से वेंडर को दे देते हैं, अब वो क्या खुशी होगी वो उन पर डिपेंड करती है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा पार्किंग चार्जेस पर 2 से 10 गुना की वृद्धि की गई थी, जिस पर न्यूज़ प्लस इंडिया की टीम ने इस पर सर्वे किया, आम लोगों से इस पर जानने की कोशिश की कि क्या कुछ सोचते हैं आम लोगों की, क्या कुछ राय है। हमने वेंडर से भी बात किया कि क्या कुछ उनका इस पर कहना है, बहुत सारे हमें इस पर फीडबैक भी मिले और लोगों के दोनों पक्षों के राय हम आप तक पहुँचाया। कैमरा पर्सन विकास के साथ न्यूज़ प्लस इंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया। We'll be right back.